पाए हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और प्रयागराज बॉलीवुड फिल्मों में अपने दमदार किरदार के साथ में विवादित बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहने वाली अभिनेत्री कंगना रनावत एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। इस बार कंगना रनावत पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा देश में 46 साल पहले लगाए गए इमरजेंसी पर फिल्म बनाने को लेकर चर्चाओं में हैं। इसके लिए कंगना रनावत अगस्त के तीसरे सप्ताह में इंदिरा गांधी की जन्मस्थली संगम नगरी प्रयागराज भी आएंगी, जिसके बाद सियासी कोहराम मच गया है। कांग्रेस पार्टी ने कंगना रनावत को इमरजेंसी पर फिल्म बनाने के उद्देश्य से प्रयागराज आगमन को लेकर विरोध शुरू कर दिया है। शहर कांग्रेस जिलाध्यक्ष नफीस अनवर और जिला यूथ कांग्रेस अध्यक्ष निशांत रस्तोगी ने कंगना रनावत पर बीजेपी की भी पार्टी का आरोप लगाया है और कहा है कि देश में बेरोजगारी से लगातार आत्महत्याएं जो हो रही हैं, इस पर क्यों नहीं फिल्म बना रही हैं। कंगना रनावत बीजेपी के स्क्रिप्ट पर काम करती हैं और कहा कि अगर इंदिरा के जन्मस्थली को कलंकित करने का प्रयास किया गया तो कांग्रेस के नेता मुंहतोड़ जवाब देंगे। आज जो केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश के अंदर और खास तौर से उत्तर प्रदेश के अंदर जो इमरजेंसी लागू है, उस इमरजेंसी की बात कर रहे हैं। निश्चित तौर पर ये आरएसएस के लोग और भाजपा के लोग कांग्रेस के खिलाफ एक अभियान चला रहे हैं और उस अभियान के अंतर्गत ये चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर छोटी छोटी पार्टियां टुकड़ों में राज्यों में बंट के अपने राज्यों में काम करें। भाजपा कहीं नहीं चाहती है कि कांग्रेस पार्टी दूसरी पार्टी बनके या पहली पार्टी इस देश के अंदर बनके इस देश के अंदर उभरे, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर नुकसान भाजपा और आरएसएस को हो रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी से हो रहा है। बात करना चाहते हैं कंगना रनौत से और उनको ये बताना चाहते हैं कि वो अगर तैयार हैं इलाहाबाद में इस तरह की किसी पिक्चर की शूटिंग के लिए, तो वो ये इसके लिए भी तैयार रहे कि इलाहाबाद का यूथ और इलाहाबाद का एक एक युवा यूथ कांग्रेस के साथ है और उनको इस तरह की गंदी राजनीति में संलिप्त होकर इस तरह की पिक्चर बनाने कतई नहीं देगा। हम उनसे दो दो हाथ करने को तैयार है, उन्हें इलाहाबाद में हम उतरने नहीं देंगे, उनकी इस पिक्चर को वहीं पर रुकना पड़ेगा। निशान रस्तोगी अध्यक्ष युवा कांग्रेस। आप मानते हैं पूरी बीजेपी की स्क्रिप्ट है एक तरीके से? देखिए पिक्चर की बात तो आप जाने दीजिए, कंगना रनौत खुद ही बीजेपी की बी टीम में के तौर पे काम करती हैं, तो जब जिस जगह पे कंगना रनौत का नाम आ जाएगा तो बीजेपी अपने आप संलिप्त हो जाएगी। और किस कंगना रनौत से हम कहेंगे ना कि ये अघोषित इमरजेंसी पे क्यों पिक्चर नहीं बनाती हैं? अघोषित इमरजेंसी चल रही है। आप बताएं कि यहाँ आज युवा, अभी कुछ कल की युवा देखिए आप, गोमती नदी छलांग लगा लिया, एक महिला कल यही इलाहाबाद प्रतियोगी छात्रा फांसी लगा के अपनी जान दे देती है, इस पर पिक्चर बनाए। जहां तक कंगना रनौत के उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने की और प्रयागराज में आने की बात है, तो मैं बताना चाहता हूं कांग्रेस के लोगों का जो आप उनका विरोध कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, कानून और व्यवस्था यहाँ पर पूरी तरह से स्थापित है। केवल उत्तर प्रदेश में अपराधियों के घुसने पर प्रतिबंध है और निश्चित रूप से लोकतांत्रिक तरीके से अगर कोई भी इस प्रदेश में आकर कोई काम करना चाहता है तो उसका बहुत बहुत यहाँ पर स्वागत है। और कांग्रेस के लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि उनके शासनकाल नहीं है जहां पर वो गुंडागर्दी और कानून का माहौल उड़ाते थे। निश्चित रूप से यहाँ पर कंगना रनौत जी का प्रयागराज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है और उनको मैं उनकी फिल्म की सफलता उसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं भी प्रेषित करता हूँ।